वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो गाइस आज बात करेंगे अपना ड्रेनेज लाइन के ऊपर और जो एमईपी की ड्राइंग्स है प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी ड्राइंग्स आती है उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं प्लिंथ बीम की जो वीडियोस लेकर आया था उसके ऊपर मैंने आपको कितनी बार बताया कि बीम जो आपको लेना है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से लेना है कि आपका जो लेवल वगैरह है प्लिंथ बीम का उसके ड्रेनेज का पाइप एसडब्ल्यूडी का पाइप इलेक्ट्रिकल ट्रेंच जो भी सारी चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको बीम को करना है ताकि आपका जो पाइप वगैरह वो बीम के पेट में से ना जाए या बीम के बीच में से ना जाए या आपको स्लीव ना छोड़ना पड़े। तो ये सारी चीजें आपको ड्राइंग के हिसाब से चेक करके लेवल्स चेक करके उसके बाद लेके चलना है। तो ड्राइंग रीडिंग के ऊपर आज वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रीडिंग। आ जाइए थोड़ा सा कैमरा लेके यहाँ पर। तो देखिये ये अपना ड्राइंग है। देखिये ये जो ड्राइंग है आपका ये एमईपी का ड्राइंग है अपना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग का पूरा ड्राइंग है। ये देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो ये आपको येलो का देखो ऑरेंज दिख रहा है फिर ये येलो दिख रहा है। तो ये क्या क्या चीजें सबसे पहले वो समझना है आपको ये चीजें क्या क्या है। तो वो आपको कहां मिलेगा ये लीजेंड्स में मिलेगा। ये जो होता है वो होता है लीजेंड्स। ठीक है लीजेंड्स कैसे समझेगा ये जो देखिए पिंक और ब्लू ये लाइन कहां पे मिलेगी आपको पिंक एंड ब्लू यहां पर मिलेगी। तो जो वो पाइप है पिंक एंड ब्लू जो शो कर रहा है आपको वो या क्या कौन सी पाइप रहेगी वाटर सप्लाई पाइप। तो इसी तरीके की मैं पूरी आपको ड्राइंग परफेक्ट ड्राइंग रीडिंग बताऊंगा कि कैसे क्या चीजों को समझना है और पहले स्टार्ट में क्या करवा के लेके चलना है आपको। तो सबसे पहले जो अपना आएगा वो आएगा सीवेज पाइप। याद रखिए ये जो येलो वाली पाइप है देखिए लीजेंड्स में बता दूं तो ऐसे ही ड्राइंग रीडिंग करना है आपको। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं सीवेज पाइप। अभी जैसे मेरा यहाँ पे प्लिंथ हो गया ये मेरा एक बिल्डिंग है। ठीक है ये मेरा एक बिल्डिंग है यहाँ पे पाइप कहां से कहां जा रही है ये देखिए यहां से क्रॉस यहाँ ये पाइप आ रही है ये पाइप आ रही है। ठीक है इसका स्लोप देखिए याद रखिए ये जो एरो दिखा है मतलब ये स्लोप दिखा रहा है। ये एरो यहां से यहां गया फिर ये चैम्बर में आया ये जो ये है इसको बोलते हैं चैम्बर। और वो चैम्बर का साइज कितना होगा क्या होगा वो आपको मिलेगा लीजेंड्स में। लीजेंड्स जो आएगा आपका ओके तो ये जो अपनी येलो लाइन है वो येलो लाइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हमने तो वो 200 mm का क्या है सीवेज पाइप जो आपका फाइबर में रहेगा या सैंपल मंगा लीजिए कौन सा डालना है क्योंकि यूम पाइप और ये सारी पाइप अलग होती है। तो आपको समझ में कैसे आएगा क्या डालना है वो लीजेंड में समझ में आएगा। फिर यहां से ये पाइप स्टार्ट हुई ये स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लोप कहां जा रहा है तो ये स्लोप अपना यहां पे जा रहा है। ओके दोबारा मैं बता रहा हूं ये स्लोप जाते जाते यहां पे लाके मेन लाइन में यहां पे कनेक्ट होगा। ये देखो ये यहां पे मेरा बाहर का चैम्बर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो ये स्लोप सारा स्लोप जो भी आपका येलो लाइन का स्लोप हुआ देखो यहां से लाके मैंने ये स्लोप अगर एग्जांपल लिया तो ये यहां पे आया यहां से आया यहां से कनेक्ट होके गया ये सेम यहां पर ये सेम यहां पर ये चीज यहां पर यहां लाके यहां पे कनेक्ट किया मैंने। ठीक है तो ये जो अपना एरो शो कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके का अगर जहां पे थोड़ा सा चेंजेस वगैरह आ रहा है और पाइप जहां पर कनेक्ट हो रही है वहां आपको क्या रहेगा चैम्बर बना रहेगा। तो चैम्बर ये देखिए यहाँ पे एक चैम्बर है ओके फिर ये राउंडेड चैम्बर है ये रेक्टेंगुलर शेप का चैम्बर है वो क्या साइज करेगा यहाँ पे आपको लीजेंड्स में मिलेगा। देखिए ये राउंडेड चैम्बर है 1200 mm का सर्कुलर सीवेज मैनुअल और 900 by 600 mm का सीवेज आईसी चैम्बर ओके। तो ये आपको ईच एंड एवरी डिटेल जो मिलेगा वो लीजेंड्स में मिलेगा। ये हो गया आपका सीवेज का पाइप। दूसरा लेते हैं एसडब्ल्यूडी। मैं आपको दिखा दूं आपको 100 mm का SWD है मतलब ये ग्रीन कलर का छोटा जैसे ये वाला पाइप रहेगा तो स्लोप देखिए ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पाइप है ना ये तीन SWD 100 का 150 mm 200 mm का। अभी स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्या रहता है जो बारिश का पानी आपका रहता है वो होता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन। तो ये देखिए ये जो हैच आ रहा है अपना सबसे पहले आउटर में पकड़ लीजिए ये जो ब्लैक का ये जो बना हुआ है ये पूरा आपका आउटर में बारिश के पानी का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का है फिर यहां से ये बाहर कनेक्ट हो जाएगा ओके। तो इसी में सारा जो 100 mm का SWD का पाइप है 150 mm का है 200 का है तो ये सारा जो पाइप है वो स्लोप मेंटेन करके लेके जाएगा यहाँ पे कनेक्ट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये ग्रीन पाइप है देखिए ये ग्रीन पाइप दिखाएंगे तो ये स्लोप लाके यहां से लाके बारिश का पानी जो है यहाँ लाके ये कनेक्ट जाके स्टॉर्म वाटर ड्रेन में खत्म हुआ यहां पर भी ओके। अभी यहां पे मैं दिखा दूं तो ये देखिए यहां पर भी एक चैम्बर है यहां से ऊपर से बारिश का पानी जो आएगा कहीं से टेरेस से या कहीं से वो ये चैम्बर में आएगा चैम्बर से पाइप से स्टॉर्म वाटर ड्रेन में आएगा और ड्रेन से अपना पानी जो आपको डाइवर्ट करना है वहां पे डाइवर्ट हो गया ओके। तो ये हो गया SWD की भाई सीवेज की हो गई SWD की हो गई बात। इसी तरीके की बहुत सारी पाइप अगर मैं आपको लीजेंड्स में दिखा दूं तो इसका मेन मकसद ये है कि आपको जब भी प्लिंथ बीम करना है तो प्लिंथ बीम के नीचे लेवल पे ये चीज आ रही है या ऊपर लेवल पे आ रही है कैसे कहां पे आ रही है वो एडजस्ट करना है आपको वो चीज समझना है कि कहां पे आ रही है पाइप्स वगैरह। बीम के नीचे ही लेना है सारा सब कुछ और यूम पाइप नीचे रहेगी। अभी मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेंच की अगर बात करूं दो पाइप हो गई अपने SWD की बात सीवेज की बात हो गई स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बात हो गई। अगर मैं अभी इलेक्ट्रिकल ट्रेंच की बात करूं देखिए यहां पे ये ट्रांसफार्मर है अपना ठीक है ट्रांसफार्मर से ये देखिए ट्रेंच बना हुआ। कभी भी इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेंच लेते हैं
देखिए ये ट्रेंच बना हुआ, गटर कैसा बनता है आपका ड्रेनेज का, वैसी गटर बनता है या कॉन्क्रीट का आरसीसी के अंदर। ये ट्रेंच यहाँ पे आके ये ट्रेंच बना, अभी बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये येलो वाला आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, और येलो नहीं है ऑरेंज है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का जब ये चेक करेंगे तो ये चीज क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए 200 एमएम का यूम पाइप, जो कॉन्क्रीट पाइप रहता है आपका कॉलर आगे रहता है जो ड्रेनेज में लगता है वो यूम पाइप लगेगा। उसके अंदर से जो केबल्स रहेंगे अपने बिल्डिंग में कनेक्शन के लिए वो केबल्स आपके रहेंगे, और उसी वही केबल्स लेके जाने के लिए ये देखिए यूम पाइप यहाँ लाके मीटर रूम में कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे लाके ये देखिए ये भी कमर्शियल मीटर रूम है, हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है, फिर यहाँ पे मीटर रूम है, फिर यही पाइप ड्रेनेज यहाँ आके ये देखिए यहाँ भी मीटर रूम में, ये मीटर रूम है। तो ये सारी पाइप्स को आपको ध्यान रखना है कौन से लेवल पे है, कहाँ पे स्लोप देना है, ताकि आपका अगर वाटर वगैरह है तो स्लोप का, इसमें तो स्लोप का कोई इशू नहीं है क्योंकि देखिए एरो नहीं शो किया हुआ है, ये तो आपको केबल लेके जाना है। तो ये चीज करके रखना है, तो कहाँ पे आपको ये यूम पाइप डालना है, वहां पे पीसीसी छोड़ना है या पहले काम करके ले लेना है ग्राउंड फ्लोर का, वो सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो तीन चीज हो गई, सीवेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और इलेक्ट्रिकल चैम्बर, यही तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका अलग अलग पाइप है अलग वेस्ट, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे वाटर सप्लाई पाइप, तो वाटर सप्लाई पाइप मैं आपको अगर दिखा दूं, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाटर सप्लाई यहाँ पे पाइप ये जा रही है यहाँ पे, तो ये पाइप को क्या होती है, ये पाइप यहाँ पे आपको कैसे समझेगा कि ये पाइप क्या है, वो लीजेंड में आप देखेंगे तो ये वाटर सप्लाई पाइप कहाँ से कनेक्ट हो रही है, यहाँ से लाके ये सीधा लाके जो वाटर कनेक्शन आपका रहेगा बाहर से आएगा जो, या फिर बोरिंग बोरवेल का रहेगा या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रहेगा, वो लाके यहाँ कनेक्ट करके कैसे कैसे जाएगा वो आपको समझ में आ जा रहा है ये ड्रॉइंग में। तो यहाँ अगर मैं लीजेंड में से दिखा दूं और क्या हमारा बचा हुआ है, लीजेंड में एक बार जूम करो, देखिए वाटर सप्लाई पाइप हमने बात कर लिया, एसडब्ल्यूडी की बात कर लिया तीनों, फिर एक कैच बेसिन है जो अलग अलग है कि यहाँ पे छोटा छोटा है, ये देखिए यहाँ बड़ा है उससे छोटा है, फिर यहाँ पे अपना ये चैम्बर है, सीवेज पाइप है, वेस्ट पाइप है, सॉइल पाइप है, जो कलर यहाँ पे रहेगा वो कलर यहाँ पे भी रहेगा लीजेंड्स के अंदर, उसके आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितने लेवल पे रखना है। देखिए मैं आपको अगर जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपना इन्वर्ट लेवल, जो मतलब बॉटम रहेगा, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, ये चैम्बर है, ये चैम्बर का ये वाला इन्वर्ट लेवल है, इसको बोलते हैं ये पूरा चैम्बर है, पाइप आपकी ऐसे आई, ये देखिए ये पाइप जा रही है, तो ये चैम्बर का जो बॉटम लेवल रहता है इसी को बोलते हैं आईएल इन्वर्ट लेवल, यही दिया हुआ है। तो आपकी साइड पे जो भी लेवल पे दे सकते हैं, ड्रेन का टॉप है, ये अपना टैप है, यहाँ पे अपना कैप लगा दिया, तो इसका टॉप लेवल ड्रेन टॉप हो जाएगा। तो लेवल के हिसाब से आपको करना है चीजों को कि बीम कहां लूं और क्या चीज कहां पे लूं। जैसे अभी बीम मैं आपको सेक्शन एक सेक्शन बना के दिखाऊं, तो ये जैसे आपका पीसीसी है ग्राउंड फ्लोर का, फिर ये आपका बीम है, ठीक है, ये बीम है आपका प्लेन बीम पीबी, अभी ये बीम है, इसके नीचे से आपका पाइप जा रहा है तो ठीक है कोई इशू नहीं है। अभी लेवल आपका मान लीजिए इसका 100 है बॉटम का, और इसका पाइप का जो बॉटम है इसको दिया आपका 98, तो आपका कितना हो जाएगा 2 मीटर डाउन हो जाएगा पाइप, कोई इशू नहीं है। बस यही अगर आपको दे देगा 101, ठीक है 100.5 मान लो 5 दे दिया, तो यहां पे आ जाएगा पाइप थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो बीम के पेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ के कंसल्टेंट से क्लियर करके कि मेरा लेवल ये है, साइड पे ये ऐसा अचीव हो रहा है, मैं ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, वो सारी चीजें आपको एमईपी कंसल्टेंट से क्लियर करके लेके चलना है ताकि आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना आए। और ड्रॉइंग रीडिंग कैसे की जाती है, क्या चीजों को कैसे सोल्व करना है, मैंने सारी चीज बता दिया है यहाँ पर। हमने देखेंगे तो रेन वाटर पाइप हो गया, फिर अपना सर्कुलर सीवेज एमए मैनुअल हो गया, सीवेज बता दिया, गली ट्रैप, एरो वगैरह, और जो स्लोप है देखिए ऐसे करके जो एरो शो किया है वो 1:3 का 1:300 का स्लोप शो कर रहा है, याद रखिए, ओके। उसके बाद 300 एमएम का जो वाइड ड्रेन चैनल स्लोप 1:300 का दिया है, ये जो मैंने दिखाया था आपको स्टॉप वाटर ड्रेन का वो यहाँ पे दिया है। तो मतलब लीजेंड सबसे इंपॉर्टेंट है एमईपी ड्रॉइंग्स में, ये याद रखिए, एमईपी ड्रॉइंग्स में लीजेंड अगर आपको प्रॉपर नहीं दिया हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने डाय का पाइप डालना है, कितना कौन सा पाइप डालना है, यूम पाइप डालना है, सीवेज का पाइप डालना है, या जीआई का कि फाइबर का किस चीज का पाइप डालना। लीजेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्राइंग जैसे ही आता है एमईपी का आप रीड करिए लेवल्स वगैरह सब कुछ, वो उस हिसाब से रिवर्ट कीजिए। चलो को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने बोला था ग्राउंड लेवल का ड्रेनेज का वीडियो लेकर आऊंगा और लेकर आया आपके लिए, ताकि आप भी सीखे, अपनी साइड पे इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें आप ये ड्रॉइंग के रेफरेंस लेके और चीजों को लेके चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए।